मैं कौन हूं इस विचार पर दृढ़ कैसे रहें? जब दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे विचार जितने भी हों, क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही कोई विचार उदित होता है, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा, मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करता है कि मैं कौन हूं, तो मन अपने मूल स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर करना अंतर्मुखी होना है। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं, जो सभी विचारों का मूल है, लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना मैं के अहंकार के करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार के कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा।